मैंने आपसे परिचय पूछा नहीं, मैं अपना परिचय कुलदीप चौहान साहब तो अचानक ही ट्रैफिक खुला है, हमने ट्रैफिक को पार किया है तो उसी के साइड में रुक लो, हमने कहा रुक लेते हैं भैया। और उसने क्या, हमने कहा कि हम रुकते हैं साइड में कि आपका हेलमेट कहाँ है और ये कहाँ है वो कहाँ है। और जहाँ हमको सुप्रीम कोर्ट से मानने आया कि पगड़ी के ऊपर हेलमेट नहीं लगा सकते, वो हेलमेट को लगाने के बाद में धमकियाँ जो करना था उसने किया, हमने फिर भी उसको रिक्वेस्ट करी तो नहीं माना। तो उसने बदतमीजी वगैरह हमसे करी, तो हमने कहा कि अगर हमारे साथ में ऐसा कर रहे हो तो आम जनता के साथ में क्या सुलूक होता हुआ। तो एक सर मालूम है या नहीं है, ये ट्रैफिक पुलिस नियम को कुछ ताक में रख के ही काम करती है, जब भी होता है, जब हम एक ऐसा नहीं है कि आधी पब्लिक जा चुकी है तो इन्होंने हमको ही क्यों रुका। बस ये पूछना है, ये अभी आरोप लगा गए, कुछ लोग पकड़े गए थे, वो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर सरदार जी को हेलमेट के लिए रोक लिया गया था। अरे फर्जी बात है यार, और क्या दिया, हेलमेट करोगा उन्हें रूल्स हुआ, आगे क्रॉस कर रहे थे वो रूल, एक्सीडेंट हो जाता। अच्छा, रोड क्रॉस करने के लिए रोका गया था, उनको सिग्नल दिया गया था, नहीं रुके तो उनको रोका गया तो अपना जो उल्टा से आरोप लगाए। नहीं, ये तो फर्जी बात है, तो वाहियात बात है, क्यों रोका जाएगा उनको। ठीक।